हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश दलीना। आज की वीडियो में आपके लिए कॉमन फ्रेजेस अबाउट यानी कि टाइम से रिलेटेड जो है वो कॉमन फ्रेजेस लेकर आए हैं। फर्स्ट वन है, इट इज़ क्वार्टर टू एट नाउ। क्वार्टर टू एट मींस के अब जो है वो पौने आठ बजे हैं। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमसे टाइम पूछा जाए पौने आठ या पौने सात, लेकिन मैंने यहाँ पे पौने आठ लिखा है। लेकिन कोई भी जो है आपसे कोई भी डिजिट पूछे और वो कोई भी डिजिट, लेकिन अगर पौने हैं तो आपने क्वार्टर यूज़ करना है। सेकंड है, वी शैल लीव एट क्वार्टर पास्ट टेन। अब यहाँ पे है कि जो है हम सवा दस बजे चले जाएंगे। अब क्वार्टर पास्ट टेन यहाँ पे है तो सवा दस बजे जाए। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि तुम्हारी घड़ी में अब क्या वक्त है। एंड प्लीज़ सेट द अलार्म एट फाइव, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि पाँच बजे का अलार्म लगा दीजिएगा। योर वॉच इज़ फास्ट बाय फाइव मिनट। तो अब यहाँ पे है कि तुम्हारी घड़ी जो है, ये भी हम अपनी कन्वर्सेशन के दौरान जब टाइम पूछते हैं तो यूज़ करते हैं कि तुम्हारी घड़ी पाँच मिनट आगे है। एंड माई वॉच इज़ स्लो बाय टेन मिनट्स, और मेरी घड़ी दस मिनट जो है वो पीछे है, ये वाले। एंड माई वॉच रन्स डाउन सम टाइम, अब इसका मतलब है माई वॉच रन्स डाउन सम टाइम मीन कि मेरी घड़ी जो है वो बाज़ वक्त बंद हो जाती है। एंड यहाँ दिस वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, अब इसका मतलब है कि जो है ये घड़ी जो है बिल्कुल करेक्ट टाइम देती है। एंड लास्ट वन जो है, प्लीज़ गेट योर वॉच रिपेयर, अब इसका मतलब है कि अपनी घड़ी जो है वो की मुरम्मत करवा दो या घड़ी रिपेयर करवा दो। तो ये कुछ ऐसे प्रेजेस थे, कुछ ऐसे जो है हमारी डेली लाइफ में रूटीन में यूज़ होते हैं, आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्द से जल्द लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो है और किस तरह की वीडियोज़ जो है पसंद है और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।